हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अस्पताल पहुंचकर पिछले दिनों बस हादसे में घायल हुए हरियाणा हिसार के पर्यटकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली, साथ ही हर संभव उपचार करने के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों नैनीताल से कालाजुंगी जाते समय हरियाणा हिसार के शिक्षकों का एक दल बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 26 लोग घायल हुए थे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हरियाणा के लोगों से करीब एक बस कुछ दिन पहले डिसबैलेंस हो गई थी, गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, सब लोगों को छोड़ के, और बाकी 24 में से 20 लोग ठीक होके अपने घरों को लौट गए। अभी 4 लोग यहाँ पर हैं और ठीक इलाज चल रहा है, ठीक हो गए हैं, और थोड़ी बहुत परेशानी है ज़रूर, और उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रही है, और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से चिंतित है, वो यहाँ हम लोगों से लगातार संपर्क में है। हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगातार वहाँ के DM को रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि CM साहब को वहाँ के एक्चुअल पोजिशन जा सके। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर साहब हैं, वो स्वयं पूरे केसेस को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम अच्छी तरह से, मैंने पूछा भी है जो वहाँ से लोग आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्होंने बहुत तारीफ की है डॉक्टर्स की टीम की, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जो हो चुकी हैं, उसके लिए किसी पर जोर नहीं है। हमको कष्ट है जो कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन बाकी लोग जितने हैं सुरक्षित हैं, और कुछ लोग वापस भी चले गए।